क्या सच में अर्जुन अपने ही बेटे के हाथों मारे गए थे? कहा जाता है कि महाभारत युद्ध से पहले ही अर्जुन अपने ही बेटे के हाथों मारे गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिंदा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनकी पत्नी उलूपी के नागमणि से जिंदा किया। अर्जुन को चित्रांगदा से वह भ्रुवाहन नामक पुत्र हुआ था जो मणिपुर नरेश। एक बार युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ किया था और अर्जुन घोड़े के साथ घूमते घूमते मणिपुर जा पहुंचे और वहां वह भ्रुवाहन ने उनका घोड़ा रोक लिया और दोनों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में अर्जुन अपने ही बेटे के हाथों मारे गए थे। वैसे ही यह बात उनकी पत्नी चित्रांगदा को पता चली तो वह उनके पास बैठकर विलाप करने लगी। के बाद उनके बेटे ने देह त्यागने का प्रण ले लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उलूपी के नागमणि से अर्जुन को जीवित किया। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आखिर क्यों पांडव पुत्र अर्जुन को किन्नर बनना पड़ा? जब कुंती ने इंद्र का आवाहन किया था तब अर्जुन जन्मे थे। जब अर्जुन अपने पिता इंद्र से मिलने के लिए स्वर्गलोक गए, जब अर्जुन वहां स्वर्गलोक में पहुंचे तो वहां की अप्सरा उर्वशी उन पर मोहित हो बैठी। उसने अर्जुन को रुझाने की कोशिश की। तब अर्जुन ने कहा कि आप कुरु वंश की आदि माता हैं, मैं आपकी संतान हूं, आप मेरे कुल की माँ। उर्वशी को यह शब्द अपमानजनक लगा। उन्होंने क्रोध में आकर अर्जुन को नपुंसक बनने का श्राप दे। जब अर्जुन ने इस बात को इंद्रदेव को बताया तो उर्वशी पसीज गई और उसने इस श्राप को घटाकर एक साल कर दिया। जब अर्जुन 13 वर्ष का अज्ञातवास काट रहे थे तब उसने 1 वर्ष किन्नर बनकर बिताए। तब अर्जुन ने अपना नाम वृहनलता रखा और विराट नगर के महल में अपने दिन बिताए।